पाकिस्तानी जन्नत और बदतर उरों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इन लोगों के इन्हीं सपनों ने धरती पर बदतर उरे ढूंढने को मजबूर कर दिया है, और जन्नत की वो हुरे इन्हें अपनी बहन बेटियों में नजर आती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक लड़की के पिता की कहानी है जिसे लड़की ने खुद अपनी जुबानी बताया है, और दोस्तों वीडियो के अंत में एक मौलाना का वीडियो है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लोग ऐसे क्यों होते हैं और इनको अपनी बहन बेटियों में ही हुरे क्यों नजर आती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। यह वाकया होने से पहले कयामत क्यों नहीं टूटी? 17 साल की बच्ची है जिसके साथ उसके बाप ने 6 माह ज्यादती की। उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उसके मामू मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो माँ है उसने एक ऐसा काम किया कि कमरे में कैमरा लगाया और वीडियो बनवाई ताकि एक प्रूफ आ सके, ताकि सब लोग उस पर एतबार करें, क्योंकि कोई आम इंसान इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि एक बाप अपनी फूल जैसी बेटी के साथ ज्यादती करे। ये वाकया शुरू कब हुआ और इसमें क्या मामला थे, क्या आपको बताया भी गया लेकिन आपने यकीन नहीं किया? सर, ये अक्ल तस्लीम नहीं करती। हालांकि वो बच्ची हमारे पास आई, उसने हमें बताया। अब देखें, अब बाकी तो आपके सामने है सर, लेकिन ये छोटे बच्चे अभी मासूम हैं। कल को ये जवान होते ये हमें ब्लेम देते कि भाई इन्होंने हमारे बाप को मार दिया। हम चाहते हैं कि कानून ही इसको सजा दे। मुझे 6 माह पहले ही पता चला था जब मामू के